गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सना। तो आज मैं व्लॉग लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि एक्चुअली हुआ ना, क्योंकि मैं एक इंट्रो शूट कर चुकी थी तो बट मेरे से इंट्रो डिलीट हो गया, तो मुझे फिर से इंट्रो शूट करना पड़ रहा है। सेकेंड डे मैं कुछ शूट कर रही थी, कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू दे रही थी, तो वो पहले आ जाएगा, देख लेना। तो मैं सोचा कि चलो फिर से इंट्रो शूट कर लेती हूँ। मेरे सारे वीडियो क्लिप क्लीट हो गए, सारे तो नहीं हुए, बस एक हुए, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ मैंने शूट किया था, बहुत अच्छा था गाइस। एंड अभी सो मच गर्मी हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड आज है फ्राइडे, तो आज बहुत काम है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर लेती हूँ, मैं काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं चलती हूँ अपना काम करने। सो गाइस, मैं बात कर रही थी नेक्स्ट वीडियो में नहीं, जो मेरी क्लिप डिलीट हुई है उसमें मैंने कुछ बताया था, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो फिर से इसमें रिपीट कर देते हैं, नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे कि पता नहीं क्या बोल रही थी, क्योंकि एक और आधा क्लिप है तो वो भी मैं ऐड करूँगी, तो उसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया कि मैंने किस टॉपिक पर बात किया, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। जानना चाहोगे मैं किस बारे में बात कर रही थी? एक्चुअली मैं बात कर रही थी अपने जान के बारे में। आज मैं मिलवाने वाली हूँ अपने जान के बारे में, सॉरी जान के बारे में नहीं, आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको अपने जान से। जो आप लोग एक्साइटेड हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड यहीं पे मेरे जान बैठे हैं, तो मैं मिलवाती हूँ। आर यू एक्साइटेड या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। कमेंट करके क्या बताने से फायदा, मैं तो दिखाई दूंगी, मैं तो बाद में शूट कर रही हूँ, आप लोग तो एक साथ ही ना दुखोगे। तो स्टार्ट करूँ, क्या है वो दिखाऊंगी, थोड़ा सा सब्र करें, इतना जल्दी क्या है, थोड़ा सा पेशेंट, थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए। तो आप लोग एक्साइटेड होगी, कौन है मैं मिलवाऊंगी, एंड वो मैं बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ना हो तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, वो मेरी दुनिया है। सो, मैं दिखाऊंगी कि कैसे हैं, ठीक है, चलिए दिखाती हूँ। सो गाइस, आई एम बैक एंड मिली मेरे जान से यहाँ बैठे हैं, आइए आइए। सो ये है मेरे जान। नो सो गाइस, ये है मेरा जान, मेरा जान जिगर, मेरा सब कुछ, ये है मेरा ये ऐनक मेरे लिए बहुत कीमती है, ये मेरी जिंदगी है, ये ऐनक नहीं रहेगा तो मैं देखूंगी कैसे, ये बड़ी बड़ी आंखें, ये काले काले आंखें, बूढ़ी बन गई। हाय, हाउ आर यू? आओ, मेरी इयररिंग लगी क्या? वाह वाह, क्या बात है, बहुत मजाक। सो गाइस, बहुत हो गया जोकिंग, बहुत सारी बदमाशी हो गई है। एंड लुक माय इयररिंग, कैसी लग रही है? कैसी लग रही गाइस? बकवास। मैं अपने ऐनक में कैसे लगती हूँ, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं ऐनक में कैसे लगती हूँ। सो मच गर्मी, मेरे पूरे बाल चिपक चुके हैं, भीग चुके हैं, सो मच गर्मी। एंड मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा क्या करने, खाना बनाने। खाना बन चुका है, खाना बन चुका है या? तो गाइस, मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी के ये डॉक्टर के यहाँ, एंड मैं जा नहीं रही हूँ, मैं खाना बना के आई हूँ वीडियो शूट करने के लिए, एंड इसकी नाक भी मैं तोड़ दूंगी आज। सो हमारी पगपंती चलती रहेगी।
सो गाइज मेरी पगपंती यूं ही चलती रहेगी, हम लोग की पगपंती यूं ही चलती रहेगी, तो आप प्लीज हम लोग से बोर ना हो। मैं फिर आऊंगी थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। एंड आप लोग मेरे जान से मिलके आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी जान कैसी है। ओके एंड हाउ आई एम लुकिंग, प्रिटी या नॉट प्रिटी? नॉट प्रिटी, या बाय बाय। सो गाइस आज तो मेरा दिन ही खराब है बहुत ज्यादा, आज के मेरे दो दिन से दिन खराब है। मैं इतना लंबा चौड़ा बहुत कुछ बोल दी, वीडियो स्टार्ट ही मैंने नहीं किया था। मेरा दिन खराब है। सो गाइस मैं बात करी थी कि आप लोग मिले मेरे चांद से, मिले उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, कैसा लगा? वैसे ये उल्लू बनाने का कोई बात नहीं था, बस मैंने कुछ सस्पेंस रखा था, वो रियली मेरे जान है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वो मेरी आंख है, वो ना है तो मुझे कुछ दिखता भी नहीं है। बस मैं शूट में आप लोग के सामने चश्मा नहीं पहनती हूँ, ऐसे मैं बहुत मतलब 24 घंटे मतलब मैं अपना ऐनक लगाए रहती हूँ। सो गाइस सॉरी उसके लिए, सो सॉरी, बट अभी मेरी लाइफ में कोई भी नहीं रहेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगी, मीन्स आपसे तो ये छुपाने वाली क्या बात है। एंड आपको मेरी स्किन कुछ ग्लोई ग्लोई लग रही है गाइज, मैं छूट नहीं बोलूंगी, मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर भी लगाया था बट वो छूट चुका है मुझे, मैं इतना मतलब ऐसे से कर रही हूँ ना कि वो छूट चुका है। सो मेरी अभी स्किन ग्लोई लग रही है क्योंकि मैं अभी कुछ प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मैं उसका रिव्यू भी मैंने अभी शेयर किया जस्ट, मैं उसका रिव्यू एंड मैंने बताया है कि मैं क्या यूज कर रही हूँ उसके बारे में ही अभी जस्ट मैं शूट करके पूछ रही हूँ, तो वो वीडियो पहले जाएगा, प्लीज चेकआउट कर लेना। एंड अभी सो मच गर्मी और बहुत गर्मी हो रही है, मैं जा रही फैन के नीचे बैठने। एंड आज फ्राइडे है गाइस, तो आज बहुत सारा काम है, पूरा घर में सो चुका है। एंड शूट करने टाइम तो आप सब जानते हो पूरा घर मेसी मेसी सा हो जाता है, यहाँ ट्राइपॉड वहाँ ये, मेरे कपड़े सब कुछ ऐसे पड़े रहते हैं। तो प्लीज इग्नोर इट। एंड चलिए मैं चलती हूँ, थोड़ा सा कुछ काम करती हूँ और मैं सबको ठीक करने जा रही हूँ, पूरा देख सकती हूँ बेडशीट सब बिखरा पर बिखरा पड़ा हुआ है। ओके एंड मुझे कपड़े भी धोने हैं, आप देख सकते हो यहाँ इतने सारे कपड़े हैं, वो नेट है, मैं यहाँ पे नेट लगा के सोती है इसीलिए। एंड मैं वॉशिंग मशीन भी ऑन कर ही देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी सा, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सामने ना जंगल है आप देख सकते हो, ये हरी हरी भी है, यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, बट बारिश होती तो नहीं अच्छा लगता पूरा गंदा। एंड मेरा पुराना ट्राईपॉड है वहाँ पे, एंड यहाँ पे मेरा नया ट्राईपॉड है, एंड दिस इज माय रूम। एंड फैन ऑन करो यार, ओ गॉड काफी गर्मी है। एंड मैं सबको समेटने जा रही हूँ, जितने भी मेस पड़े हुए हैं, माय इयररिंग, माय मेकअप, तो मैं मिलती हूँ बाद में, मैं सब कुछ साफ कर लेती हूँ, तो मैं मिलती हूँ आप सबको। एंड आज कुछ मैं बनाने वाली हूँ, कुछ क्या ऐसे ही कुछ स्नैक्स बनाऊंगी, आप लोगों को दिख ही जाएगा सी। पापा के लिए मैं बना रही हूँ, पापा कुछ खाने का दिल करता है ना, इसलिए मेरे बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो रहे हैं। ओह फाइनली मैं अभी चूड़ा करने जा रही हूँ, कैसे मैं लग रही हूँ ना, मैं भी जा रही हूँ शैम्पू करने, शैम्पू भी मैंने नहीं किया था आज, मैंने कल ही किया था, तो मैं आज शैम्पू करने जा रही हूँ, आज फ्राइडे है तो करना जरूरी है। एंड मैं मिलती हूँ आपको इवनिंग में या किसी भी टाइम। ओके बाय। जो मुझे लग रही है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे
वन स्पून बेसन लूंगी यानी ग्राम फ्लोर। एंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेसन, मेरे यहाँ खुला हुआ आता है बेसन, तो मैं यहाँ पे बेसन लूंगी। मैं यहाँ पे भी लगाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ले रही हूँ। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा और लेना चाहिए, देख लेती हूँ मैं, ज़्यादा हो जाएगा ना, कम कर देती हूँ। एंड मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कर्ड, क्योंकि कर्ड हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट कर देता है एंड मेरी स्किन को ग्लोई बना देगा। गाइस मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा और ले लेती हूँ ताकि मेरी स्किन अच्छे से हो जाए। मॉइस्चराइज, होम रेमेडीज भी कभी कभी यूज़ करते रहना चाहिए एंड मैं तो होम रेमेडीज में बहुत बिलीव करती हूँ गाइस। एंड अपना रेक शेल्फ ज़रूर साफ कर लें, नहीं तो आपकी मम्मी भी डांटेंगी बहुत। एंड मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। एंड मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। एंड मैं ऐड कर रही हूँ ये खाने वाला हल्दी, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है वो कस्तूरी हल्दी, तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ खाने वाला। तो इसको भी यहाँ पर रखते हैं आप अच्छे से, नहीं तो वो भी आपकी मम्मी डांटेंगी। एंड इसे भी मैं क्लोज कर लेती हूँ एंड मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड मैं अब चाहूँ तो इसमें और कुछ भी ऐड कर लूँ, मैं ऐड करूँ या ना करूँ मैं सोच रही हूँ। एंड यहाँ पे इसमें क्या है, दिस इज ए बाल, ये किसके वाला अलीशा तुम्हारा होगा। यू जस्ट शट अप। मैं जा रही हूँ इसे अप्लाई करने अपने फेस पे, तो बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है। मैं पहले इसे मसाज कर लेती हूँ 5 मिनट्स तक, ताकि जो दही है वो मेरे स्किन पे ग्लो करे। मैं इस पर रख लेती हूँ। मैं मिलती हूँ फेस वॉश करके। बाय। सो गाइस मैंने फेस धो लिया है एंड लुक एट माय फेस, कितना सॉफ्ट लग रहा है एंड थोड़ा थोड़ा ग्लोई भी लग रहा है। एंड मेरा स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुका था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ DIY कर लेते हैं। होम रेमेडीज भी कभी कभी ट्राई करना चाहिए। तो मैं तो आजकल होम रेमेडीज बिल्कुल भी छोड़ रही हूँ, इतना आजकल बिजी रह रही हूँ तो बट मैंने सोचा कि चलो आज यूज़ करते हैं होम रेमेडीज। तो गाइस मेरा स्किन अच्छा लग रहा है एंड पीछे मेरा मशीन रखा हुआ है, सिलाई मशीन जो होता है वो मैं सीती हूँ। वैसे मुझे सीना नहीं आता बट वो थोड़ा सा सिलाई जो खुल जाता है ना, बस मैं उतना सीती हूँ। मुझे फुल जो कपड़ा सीने वो मुझे नहीं आता, बस ऐसे रखा है मम्मी के ज़माने का है ये रखा हुआ है। तो अच्छा लग रहा है, मेरा स्किन थोड़ा सा वाइट लग रहा है। सो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो चुके हैं एंड मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है एंड रियली वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें एंड कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा था। तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़।